विधायक निधि से सुजानपुर और टौणी देवी सिविल अस्पताल में उपलब्ध करवाए गए रोगी वाहन बिना चालक के धूल फांक रहे हैं। लोगों को इन रोगी वाहनों का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, जिससे इलाके की जनता पूरी तरह त्रस्त है। ये बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं समाज सेवी रविन्द्र सिंह डोगरा ने सुजानपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। डोगरा ने कहा कि अगर रोगी वाहनों में चालक तैनात ही नहीं करने थे तो ये रोगी वाहन क्यों उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने कहा कि 3 माह बीत गए हैं, लेकिन ये रोगी वाहन एक भी बार लोगों को सुविधा नहीं दे सके हैं। अगर सरकार और विधायक इनके लिए चालक उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन दोनों रोगी वाहनों के लिए चालक और पेट्रोल उपलब्ध करवा देगी, ताकि लोगों को इनकी सुविधा मिल सके। डोगरा ने कहा कि मात्र वाहन उपलब्ध करवाने से लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, जब तक ये रोगी वाहन चालकों को नहीं दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इन वाहनों में स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए कोई न कोई प्रबंध अवश्य करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सुजानपुर और टौणी देवी में रोगी वाहन की डिमांड अक्सर लोग करते हैं, लेकिन रोगी वाहन में चालक नहीं होने से उनको इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। डोगरा ने सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विधायक आए दिन विधायक निधि से महिला मंडलों का विकास कर रहे हैं, उन्हें पैसे, टेंट, शामियाना उपलब्ध करवा रहे हैं। विधायक निधि से उन्होंने ये रोगी वाहन भी उपलब्ध करवाए हैं। क्या विधायक का ये दायित्व नहीं है कि वे रोगी वाहन जो उन्होंने दिए हैं वे यहाँ चले, इसकी सुविधा के लिए वे कोई कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि रोगी वाहन तो उपलब्ध करवा दिया है, तो अब इसके लिए चालक भी उपलब्ध करवा देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि केवल शुभारंभ के समय पूजा अर्चना के बाद इन्हें एक स्थान पर खड़ा कर दिया गया है, जिसके कारण लोगों को भी असुविधा हो रही है। जैसे कि अगर एम्बुलेंस चलती है, इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, एम्बुलेंस जब चलती है तो वो रात दिन चलती है, उसका कोई टाइम नहीं होता कि कब वो खड़ी है, तो उसके लिए दो ड्राइवर चाहिए होते हैं। तो टौणी देवी वाली जो एम्बुलेंस चलेगी तो दिन में उसको मैं चला लूंगा, रात को वहां पे ड्राइवर रखेंगे, उसका पैसा हम पे करेंगे और जो पेट्रोल लगेगा वो भी हम दे देंगे। सेम सुजानपुर में रहेगा, यहाँ के लिए भी हम ही ड्राइवर प्रोवाइड करेंगे, ड्राइवर की जो तनख्वाह होगी वो हम देंगे और जो पेट्रोल लगेगा वो भी हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। पर हम ये इस बात को इसलिए करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पैसे से आ चुकी हैं उस पैसे का इस्तेमाल जनता की सेवा के लिए होना चाहिए। अगर उसमें 4 पैसे मेरी तरफ से भी लग जाते तो मुझे कोई एतराज नहीं, आई विल पे टू देम। सरकार को एक पत्र लिखा था कि आप 108 सुविधा जो है बंद हो गई है, तो डी साहब को भी लिखा था और जयराम सरकार को भी लिखा था। तो उस दौरान हमारा ये प्लान था कि अगर सरकार जो है एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं करती है तो हम कुछ इस विषय पे सोचेंगे। इसी दौरान जुलाई 12 को विधायक साहब ने विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस हैं सुजानपुर विधानसभा के लिए, एक टौणी देवी अस्पताल के लिए और एक सुजानपुर अस्पताल के लिए विधायक निधि से, जो कि लोगों की ही राशि होती है, प्रोवाइड करवा दी। अब समस्या ये होती कि पिछले 3 महीनों से हम ये देख रहे हैं कि वो एम्बुलेंसें खड़ी हैं, उन पर धूल लगी हुई है। टौणी देवी वाली एम्बुलेंस मैं आज सुबह जब जांच के आया तो उसका खाली नंबर प्लेट आ गई है, और सुजानपुर में जो एम्बुलेंस खड़ी है अस्पताल के अंदर उसकी नंबर प्लेट भी नहीं आई है अभी। तो बात इसमें ये उठती है कि जब आप एम्बुलेंस लेके आए हो तो विधायक साहब ने या क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, उन लोगों ने सरकार से इस बारे में या प्रशासन से इस बारे में सवाल क्यों नहीं किया कि 3 महीने से एम्बुलेंसें आगे खड़ी हैं। तो सरकार जो पैसा लग गया वो जनता का पैसा है, लेकिन जनता को उस पैसे का कोई फायदा तो हुआ ही नहीं ना, वो तो वैसे की वैसे खड़ी हैं। और शोशेबाजी पूरी चल रही है, विधायक साहब बोलते हैं कि मैं एम्बुलेंस लेके आ गया हूँ जी, देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और भाजपा ये बोलती है कि जी सरकार ने दिया पैसा, हम एम्बुलेंस लेके आए, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने विधायक निधि से दिया, बीजेपी ने सेंक्शन कर दिया, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो चल तो नहीं रही ना। सब दूसरी एक और प्रॉब्लम ये भी है कि सुजानपुर विधानसभा के अंदर केवल सुजानपुर अस्पताल या टौणी देवी अस्पताल ही नहीं है, जंगल बैरी का भी अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है जो कि पिछड़े हुए इलाकों को कवर करता है, वहाँ के लिए एम्बुलेंस नहीं है। तो पहले तो होना ये चाहिए था कि 3 बड़े अस्पतालों में एम्बुलेंस होनी चाहिए थी और जो रेगुलर चलनी चाहिए थी। उसका कारण ये है कि वर्ष 2011 के अंदर सुजानपुर विधानसभा की जो पॉपुलेशन थी, सनसेक्स जो हुआ था उस समय 80,000 यहाँ की पॉपुलेशन थी। 2011 के बाद से अभी तक निरंतर जब जनसंख्या बढ़ी है तो सुजानपुर विधानसभा की जो पॉपुलेशन है आज की डेट में 1,25,000 लोगों की है, जिसके अंदर लगभग 56,000 वोटर रहता है। पर ये 56,000 वोटर
और 1.25 लाख आबादी सुजानपुर विधानसभा की 45 पंचायतों के लगभग 250 गांव के अंदर रहती है। तो अंदाजन आप इस बात को देखिए कि 1.25 लाख की आबादी के ऊपर विधायक साहब ने 2 एम्बुलेंसें ला के प्रचार प्रसार तो कर लिया, लेकिन उन 1.25 लाख लोगों को, इन 2 एम्बुलेंसों को कोई भी लाभ नहीं है। सांसद महोदय आए हैं कई बार यहाँ पे, उन्होंने क्षेत्र का दौरा भी किया है, ब्लॉक में टौणी देवी भी आते हैं, जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वो काफ़ी घूमे, उन्होंने भी स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई जायजा नहीं लिया, जबकि सबको पता है बीजेपी रोष मचाती रही, कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाती रही कि एम्बुलेंस ले आएगी तो हमारा पैसा है, लेकिन उन लोगों ने